पुरोहित जी कई लोगों देखा जाता है कि रिश्ता लगते लगते बिगड़ जाता है, अविवाहित लोगों का, या फिर विवाह अविवाहित लोगों का विवाह में देरी होता है, तो वो लोग क्या उपाय करें महाशिवरात्रि के दिन ताकि उनके विवाह का जो लग्न है वो तुरंत लग जाए। हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा तुम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभां, जो दुर्लभ है हमारे लिए, जो कांत कांता, जो कांता जो है वो कह रहे हैं, जो हमारे कांत मतलब जो हमारे स्वामी है, जो हमारे होने वाले पति है, जो हमसे दुर्लभ हो गए हैं। तो जिस तरह से भगवती पार्वती ने तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था, वैसे ही यहाँ भी मान्यता है जिनकी विवाह आदि नहीं हो रही है वो शिवरात्रि के दिन यहाँ शायद पहला ज्योतिर्लिंग ही है जहाँ इस तरह की प्रथा है, जो उनके ऊपर मोर चढ़ाया जाता है, मुकुट चढ़ाया जाता है, वर्ष में एक ही दिन चढ़ाया जाता है। और वो भैरव ये अष्टमी के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। इसके पीछे भी कारण है, दशहरा कब होता है, जब आदमी का विवाह होता है तब तो दशहरा होता है। तो उस दिन चूंकि शिव की पूजा करने के क्रम में पार्वती की भी पूजा, दोनों का एक साथ जो पूजा किया जाता है, तो इस ऐसा लोगों के यहाँ मान्यता है कि बाबा का विवाह भी होता है, मतलब मिलन होता है, मतलब सम्मेलन होता है, मतलब उनका एक साथ एकाकार रहते हैं, एक साथ पूजा की जाती है दोनों की। दोनों तो हर जगह शिवलिंग में है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ बतलाया गया है, इसलिए उस दिन मोर मुकुट जरूर चढ़ाना चाहिए। जिसकी विवाह नहीं हो रही है या विलम्ब हो रही है, बार बार छूट जा रहा है, वैवाहिक परेशानी है, वो आकर बाबा के ऊपर जो है सो मोर चढ़ाएं। जिनकी विवाह नहीं हो रही, जिनका देरी हो रहा है, तो वो जरूर मोर चढ़ाएं, चूंकि वर्ष में एक ही दिन चढ़ता है, वो शिवरात्रि के दिन चढ़ता है, वो आके यहाँ मोर चढ़ाएं और शिव शक्ति से प्रार्थना करें, यथा तुम शंकर प्रिया, जैसे वो शंकर की प्रिया है वैसे आपका भी जीवन जो है सो सुखमय रहे, यही कामना से लोग चढ़ाते हैं। बहुत प्राचीन परंपरा है, और चूंकि यहाँ कारण भी है, शिव के ऊपर पूजा करने के पहले सिंदूर चढ़ाया जाता है, शक्ति की पूजा की जाती है, तो शिव शक्ति एक साथ है, इसलिए जोड़ी बनता है या उनका विवाह होता है जल्दी से जल्दी।